कराहल पधारे कांग्रेस लोकसभा प्रभारी अनिल भारद्वाज, कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, प्रदेश से इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की लिया संकल्प। खबर कराहल से है, जहां कांग्रेस से मुरैना लोकसभा प्रभारी अनिल भारद्वाज मंगलवार को कराहल कांग्रेस कार्यालय पर पधारे, जहां पार्टी मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई, जहां आगामी 50 दिनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। भाजपा पर हमला करते हुए प्रभारी अनिल भारद्वाज ने बताया कि किस तरह इन लुटेरों ने लोकतंत्र को ताक पर रखकर पिछली बार जनादेश से बनी हुई सरकार को लूट लिया था और प्रदेश में खुद की तानाशाही सरकार बना ली थी। आज प्रदेश में रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाला है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, महंगाई इतनी है कि जिसकी व्याख्या करना भी मुश्किल है। इस समय पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है और जनता ने मन बना लिया है कि वह इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रही है। कराहल बता रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लिए, सर क्या मूल मंत्र सर जीत के आप आज कार्यकर्ताओं को देखे जा रहे हैं? आप देखो, कार्यकर्ता का मनोबल, कार्यकर्ता का हौसला ये बता रहा है कि जीत तो हमारी सुनिश्चित है। और जो लोगों को पिछले इतने सालों से जो परेशानियां हैं, जो पीड़ाएं, जो दर्द है, चाहे वो नौजवान है उसे रोजगार नहीं है, चाहे वो किसान है उसको खाद नहीं है, उसको बीज नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, इसी तरह जो भ्रष्टाचार है वो चरम पे, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से जीतने जा रही है कराहल और विजयपुर वाली जो जहाँ संभाग में हम खड़े हैं। इसमें सबसे हमारे कार्यकर्ताओं के बीच, हम अपने साथियों के, अपने परिवार के बीच यहाँ आए हैं और जो हमारा लीडरशिप का संदेश है, विशेष तौर पर जो हमारे नेता मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी का जो संदेश है कि ये 11 वचन वहाँ मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और जो हमारी चुनी हुई सरकार जिसे जनादेश मिला था, मध्य प्रदेश की महान जनता ने कांग्रेस पर भरोसा करके कांग्रेस के सरकार बनाई थी, कमलनाथ जी उसके मुखिया थे, और वो सरकार जोड़ तोड़ के तरीके से अलग अलग रास्ते अपनाकर उसे गिरा दिया गया और एक सरकार बीजेपी ने बना ली, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 महीने में सरकार में क्या किया, ये इस संदेश में है। इस क्या लगता है सर, सरकार बनती है अगर कांग्रेस की, तो ये जो वचन है सर, 11 वचन जो दिए हैं कमलनाथ जी ने, उसको कितना समय में पूरा कर दिया जाएगा? देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी की सरकारों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उनके 15 महीने में देख लीजिए कि उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 लाख से कम का जो कर्ज था किसान का, जो बड़े वायदे थे उसमें से पूरा किया, 300 की पेंशन को 600 का कर दिया। हमारी कर्नाटक में लोगों ने अगर सरकार बनाई तो 5 वचन वहाँ, 5 गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने बड़ी दी थी, 5 गारंटी के नाम से, उनमें से 3 पहले ही हफ्ते में हमारी सिद्धारमैया जी और डीके शिवकुमार की सरकार ने पूरा की। इसी तरह जहाँ हमारे जिस प्रांत में सरकार बनती है, अभी जो काला पीपल पे राहुल जी आए हुए थे तो आप मीडिया के माध्यम से ही मैंने भी देखा, वो रिमोट दिखा रहे थे, उन्होंने कहा हमारा रिमोट ऐसा नहीं है, हमारा रिमोट तो सिर्फ जवाबदेही के लिए, जो चुने हुए लोग हैं, जो चुनी हुई सरकार है, आप हमारी सरकार बनाओगे, हमारा वचन पत्र 100 अक्षर पूरा होगा और उसमें मुख्य वायदे जल्दी से जल्दी हमारे निर्णय सरकार के निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ इस विजयपुर की जनता को, शाहपुर के हमारे भाई बहनों को, किसानों को, नौजवानों को, हमारी बहनों को, हम ये कहना चाहते हैं कि अब जल्दी जो परिवर्तन है आपकी मदद से आप करिए और आपके घर द्वार निश्चित तौर पर सरकार पहुँचेगी और आपके दुख दर्द पीड़ा को हरेगी, आपके लोगों के काम। एक अंतिम सवाल हो रहा है सर आपसे, भाजपा सर जो सत्ताधारी मुख्यमंत्री हैं 18-20 साल से, उनको तो सर आगे कर नहीं रही है, केंद्र से मंत्री सर उतार दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, क्या समझा सर इसको, डर समझे या सर मुख्यमंत्री का चेहरा समझे? घबराहट है, खलबलाहट है, कहीं ना कहीं यह तो प्रोग्रेटिव है किसी भी राजनीतिक दल का कि वो किसे चुनाव लड़ाएं। अब आप ही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने का नाम ही नहीं ले रहे, प्रधानमंत्री जी उनको आगे नहीं कर रहे, आपके माध्यम से ही जान रहे हैं, आपके माध्यम से ही हमें पता लगा, इंदौर में तो उन्होंने ये भी कहा कि अब हम जब चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, ये उनके अपने सब थे। मैं समझता हूँ कि किसी को भी वो उतार लें, जनता मध्य प्रदेश की और जो हम मुरैना और शाहपुर में यहाँ विजयपुर में देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता और यहाँ की जनता,
तय कर चुकी है कि परिवर्तन और बदलाव तय है, अब कौन लड़े उनकी तरफ से हमें फर्क नहीं है। हाँ, उन्हें ही सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह से क्या कहेंगे। क्या एक प्रांत में एक मुख्यमंत्री होता है? हमारा तो चेहरा सामने ही है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगने लगा है कि अलग अलग जगहों पे ये बड़े नेता अगर उतर रहे हैं तो ये सब मुख्यमंत्री के चेहरे ही नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो बीजेपी बताए, ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का चेहरा और कांग्रेस का नाम आपके सामने, और कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी को भी टिकट, पार्टी हाईकमान किसी होती है उसे जिताए।